नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसी चाय ब्लू टी जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपको वज़न घटाने में, और शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की भी इसके अंदर क्षमता है। तो ये प्लांट है अपराजिता, और इसके फूल पत्ती सभी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है आयुर्वेदिक दृष्टि से। तो आप इसके फूलों को पहले भगवान पे चढ़ा भी सकते हैं, भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। बहुत सुंदर पौधा है, बहुत ही अच्छे फूल, सुंदर फूल आता है इसका। तो इसके बाद आप माला भी बना सकते हैं उसको लेके, और इसके जो फूल चढ़ने के बाद ड्राई भी हो जाए तब उसको काम में ले सकते हैं आप। उसे सुखा के रख लें पौधों को, फूल जो हैं, तो और उनको बाद में उसकी चाय बना सकते हैं। इस तरह से आप सूख जाएंगे, मतलब इसे कोई जाली में सुखा लें। फिर उसकी जैसे आपने 1 गिलास गर्म पानी लिया, 1 गिलास पानी लेंगे, उसको गर्म करने रखेंगे, उबालने, उसमें 8-10 फूल डाल दीजिए, और पानी आधा रह जाने तक आप उसे उबालेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे पानी जो है ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा उबालने पर, और जो इसकी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे जो सूख रही हैं वो बड़ी होने लग जाएंगी, ब्लू कलर की जो इसकी फूल है। इस तरह से आप गुलाब को, सब फूलों को रख सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। जो कि आप गुलाब को भी आराम से यूज़ कर सकते हो ड्राई करके, और गुड़हल जो है वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये फूल जो है बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर बालों को तेज़ी से ग्रोथ बढ़ाने की एक क्षमता होती है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे पानी जो है ब्लू होना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का, ये देख सकते हैं आप। जब पानी आधा रह जाए इतनी देर तक हम इसे उबालेंगे, उबाल के मतलब स्लो करके गैस को आप छोड़ देंगे, और कैंसर के रोग से भी लड़ने की इसके अंदर क्षमता है। तो आप इस ब्लू टी को आराम से, देखिए पूरा आधा पानी रह गया है, तो इसे अब हम छान लेंगे, और इसे चाहे तो आप अगर अच्छा ना लगे तो शहद के साथ भी पी सकते हैं।